तो विंडोज़ एक्सप्लोरर बेसिकली क्या होता है, देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर ये होता है कि आप यहाँ क्लिक करते हैं और किसी भी फोल्डर में चले जाते हैं, तो ये जो हमारा फोल्डर खुला है इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर हमारा वन विंडो ऑपरेशन है जिसमें आप यहाँ पे देखते हैं नेविगेशन बार है और इसके अंदर जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये इसका टैब है, रिबन है, इसमें होम टैब है, इसमें शेयर टैब है, इसमें व्यू टैब है, इसमें फाइल का मेन्यू है, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है यहाँ से आप किसी भी इस पे क्लिक करेंगे जैसे, तो उसके अंदर क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा सारा का सारा। और उसके यहाँ पे जो ये निशान बना हुआ है इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर है वो यहाँ दिखाई देंगे, जैसे इसके अंदर ये वाला फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, उन फोल्डर के अंदर क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अच्छा, इसी तरीके से ये हमने सारे फोल्डर्स को देख लिया। अब आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपने आइकन्स को अरेंज करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो आइकन आ रहे हैं ये येलो वाले आइकन फोल्डर के हैं, तो यहाँ पे व्यू में आके हम इसको देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करके, स्मॉल आइकन्स करके, टाइल्स करके, लार्ज आइकन्स करके, लिस्ट बना के, कॉन्टेंट्स बना के, मीडियम आइकन्स बना के, डिटेल्स बना के, इस तरह से आप इन सारे आइकन्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और तरीका भी ये है कि आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं बाय स्टेटस, बाय डेट मॉडिफाइड, बाय टाइप, बाय साइज, बाय डेट क्रिएटेड, बाय ऑथर्स, और यहाँ पे हर तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब डेट मॉडिफाइड में हमें ऐसे नज़र आ रहा है, डेट मॉडिफाइड का मतलब है कि लास्ट टाइम मैंने किस फाइल पर काम किया था वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं। असेंडिंग मतलब ए टू जेड ऑर्डर में और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए ऑर्डर में, ठीक है। अब ग्रुप बाय करके भी हम देख सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं इनके, जैसे टाइप। अब ये इस सॉफ्टवेयर की सारी फाइल्स एक ग्रुप में आ गई, ये फोल्डर्स आप एक ग्रुप में आ जाएंगे, ये देखें, और ये सारे एक ग्रुप में आ गए, ये सारे एक ग्रुप में आ गए। इससे आपको सर्चिंग में आसानी होगी, अपनी मल्टीपल फाइल जब बहुत सारी जमा हो जाएंगी तो उनको आप बेहतर तरीके से सर्च कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रुप बाय करके आप इसको साइज़ भी कर सकते हैं, साइज़ के हिसाब से ग्रुप कर लें। ये अनस्पेसिफाइड साइज़ एक साथ आ गए, एक से लेके 128 MB तक के फाइल का साइज़ एक साथ आ गए 16 MB के साथ। कभी कभार हम सर्च करते हैं ना, ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं तो उसमें हम देखना चाह रहे हैं किस तरह से सर्च करें, तो उस हिसाब से ये ग्रुप करके हमें दिखा देगा। डेट क्रिएटेड अपडेट के हिसाब से कर देगा, लास्ट मंथ के सारे फोल्डर और पुराने फोल्डर्स फाइल्स को इनको अलग कर देगा। इसके बाद यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैग्स जो है हमारे डिफरेंट हिसाब से दिखाई देगा। टाइटल पे क्लिक करेंगे तो टाइटल के हिसाब से दिखाई देगा। अच्छा, उसके अलावा आगे चलते हैं, चेक बॉक्सेस का क्या काम है। अब सपोज टू भी हम इस पर ग्रुप नहीं लगाना चाह रहे तो इसको हम यहाँ से जाके कह देंगे नन, और यहाँ पे सॉर्ट बाय में भी कह देंगे जाके यहाँ से नेम बाय, सेट करा देते हैं नेम के हिसाब से, ठीक है। अब मल्टीपल फोल्डर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ आइटम चेक बॉक्स पर मैंने चेक लगाया हुआ है, मैं चेक हटा देता हूँ तो क्या होगा, देखिए एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक सेलेक्ट हो रहा है और दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहला सेलेक्ट खत्म हो रहा है, दूसरा आ रहा है। अच्छा, डिफरेंट आइकन को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, पहले पे क्लिक कर लें, फिर कंट्रोल का बटन दबा के होल्ड करें कीबोर्ड से, और फिर दूसरे पे क्लिक करें, फिर तीसरे पे क्लिक करें, फिर चौथे पे क्लिक करें, फिर इसको डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, वो आपके पास अलग अलग। अच्छा, अब यही काम कंट्रोल के बगैर करना है तो आप क्या करेंगे, आइटम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले वाले पे चेक लगाएं, फिर दूसरे वाले पे चेक लगाएं, फिर तीसरे वाले पे चेक लगाएं, फिर उसके बाद किसी भी एक पर राइट बटन दबा के आप उसको कॉपी करें, कट करें, डिलीट करें, आपकी मर्जी, चेक बॉक्स का ये काम है। अच्छा, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन क्या होता है। अच्छा, देखिए यूजुअली जब आपके पास फाइल्स नज़र आ रही होती हैं तो ये मल्टीपल कलर्स के जो आइकन्स देख रहे हैं ये फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये येलो कलर के जो फोल्डर आप देख रहे हैं ये फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइल्स मुख्तलिफ टाइप होती है उनकी, फाइल्स की अब कैसे टाइप होती है, देखिए मैं यहाँ से भी चेक हटा रहा हूँ तो आपको सिर्फ फाइल्स के नाम नज़र आएंगे। देखिए अभी देखें, यहाँ पे ये जो फाइल है इसका नाम है बुक वन, ये जो फाइल है इसका नाम ये इतना बड़ा है, ये जो फाइल है इसका नाम ये है, ये जो फाइल है इसका नाम ये है, इनकी टाइप नज़र नहीं आ रही। अब टाइप कैसे नज़र आएगी, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पे और देखेंगे कि अब इनकी टाइप्स भी नज़र आएंगी आपको। ये देखें, ये फाइल का नाम है mus.dwg इसकी टाइप है, ये फाइल का नाम है .pptx इसकी टाइप है, ये इसकी pptx डॉट टाइप है। टाइप जो होगी वो डॉट के बाद होगी, इसकी टाइप है .html, इसकी टाइप है .xlsx, ये एक्सेल की फाइल है, ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, ये png है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये pdf फाइल है, तो इनकी टाइप देखना चाहते हैं तो हम इस पर चेक लगाएंगे। हिडन आइटम्स, अच्छा हम किसी फोल्डर या फाइल को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे करेंगे, देखें ये मैं एकेडमिक में आ गया, यहाँ एक लेटर है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। अब ये होगा कैसे हाइड, हाइड करने के लिए पहले मुझे यहाँ से चेक हटाना होगा हिडन आइटम्स पे से, ये हट गया चेक, और अब इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइड सिलेक्टेड आइकन पे क्लिक कर दूंगा, ये हाइड हो गया।
हाइड का मतलब डिलीट नहीं होता, छुप जा, बस छुप गया। वापस लाने के लिए क्या करेंगे, इस पर चेक लगाएंगे तो ये जाहिर हो जाएगा, और चेक हटाएंगे तो वो ये दोबारा से डिसअपियर हो जाएगा। तो ये चेक क्या काम कर रहा है, इसका काम है छुपी हुई फाइल्स और फोल्डर को दिखाना, छुपी हुई फाइल और फोल्डर को दिखाना। तो ये दिखा रहा है और चेक हटा रहे हैं तो दोबारा से हम कर रहा है, ठीक है, सिखा दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ से चेक हटा दिया और यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, तो ये दोबारा से अनहाइड में आ गया, भले इसको हिडन या चेक लगाएं या हटाएं तो वहाँ से वो आ जाएगा। अंडू रिड्यू से वो एक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने कोई एक्शन अभी परफॉर्म किया और उसको भी मुझे गलती का एहसास हो गया तो उसको अंडू कर सकता हूँ। मतलब अगर अब मुझे देर हो गई, रीस्टार्ट हो गया, कंप्यूटर फाइल बंद हो गई, दोबारा खोला तो फिर अंडू रिड्यू काम नहीं करेंगे, तो उसको दोबारा रिवर्स करना पड़ता है। जैसे एक फोल्डर आपने हाइड किया था, कुछ दिन के बाद आप कह रहे हैं मैं उसको अनहाइड कर दूँ, तो अंडू रिड्यू तो काम नहीं करेगा ना, वहाँ पे उस कमांड पे जाके दोबारा से उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स थी जो हमने देख ली इसके ऊपर। अब हम होम में आ जाते हैं, होम में यहाँ पे और भी सेटिंग्स हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल। अब मैं इस फोल्डर में हूँ, यहाँ से मैं एक फोल्डर में गया लेटेस्ट के फोल्डर में, यहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे मजीद कुछ फाइल्स पिक्चर्स नजर आ रही थी, तो मैं यहाँ से व्यू करके इन पिक्चर्स को लार्जर आइकन व्यू में देख लेता हूँ, और यहाँ से क्लिक करके होम में आया। होम में सेलेक्ट ऑल करना है, ये सेलेक्ट ऑल हो गया, इन्वर्ट करना है, ये इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट और सेलेक्ट में क्या फ़र्क है, थोड़ा समझ ले पहले आप। जैसे मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया और सेलेक्ट इन्वर्ट कर दिया तो ये फोटो डीसेलेक्ट हो गया, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए, और दोबारा इन्वर्ट कर दिया तो ये फोटो सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे डीसेलेक्ट हो गए, ठीक है। सेलेक्ट नन, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट नन, नहीं करना चाह रहा मैं सेलेक्ट, इस तरह से, ठीक है। नन मतलब किसी को सेलेक्ट नहीं करना। फोल्डर बनाना है तो यहाँ से भी फोल्डर बन सकता है, किसी फाइल को डिलीट करना है तो यहाँ से भी डिलीट हो सकता है, रीनेम करना है तो यहाँ से भी रीनेम किया जा सकता है, ये रीनेम का ऑप्शन आ गया, ये डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट में दो ऑप्शन है, परमानेंट डिलीट मतलब रीसाइकल बिन से भी डायरेक्ट आउट हो जाएगा, और एक ऑप्शन है डिलीट का जो डिलीट होकर रीसाइकल बिन में जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात की। तो इसी तरीके से कॉपी टू और मूव टू क्या है, एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करने का एक दूसरा तरीका है कॉपी टू, मतलब मैं इस फाइल को कहीं और कॉपी करना चाह रहा हूँ, कहाँ कॉपी करना चाह रहा हूँ, ये वो सारे फोल्डर मेरे यहाँ नजर आएंगे जो मेरे कंप्यूटर में बने हुए, तो जो फोल्डर मैं सेलेक्ट करूँगा ये उस फोल्डर में कॉपी हो जाएगी, और अगर मैं मूव टू करूँगा तो ये जिस फोल्डर में मैं क्लिक करूँगा ये उस फोल्डर में यहाँ से कट होकर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ये भी मूव हो जाएगा, ठीक है। नेविगेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, नेविगेशन को कंट्रोल करने का तरीका आसान है, व्यू में जाएंगे और यहाँ से नेविगेशन पे से चेक हटा देंगे, नेविगेशन ऑफ हो जाएगा, अब किसी भी फोल्डर में नेविगेशन नहीं आएगा। नेविगेशन नहीं आएगा तो उसका नुकसान क्या है, अब मुझे किसी दूसरे फोल्डर में जाना है तो मुझे दोबारा से उस फोल्डर में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, नेविगेशन तो कहीं भी नहीं आएगा। और नेविगेशन का फायदा यह है कि यहाँ क्लिक करके आप ऑन करते हैं, उसके बाद जिस फोल्डर में जा रहे हैं यहीं से सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली उस फोल्डर में चले जाते हैं। डिटेल्स पेन में क्लिक करेंगे, डिटेल्स पेन एक्टिवेट हो जाएगा, जिस फाइल पे क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी, ताकि आपको उसको बड़े मजीद पढ़ना है, जानना है, जो भी करना है। और प्रीव्यू पेन पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पेन यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, जिस फाइल फोल्डर पे क्लिक करेंगे उसमें क्या है वो देखना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे लोड करके बताएगा, कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं इसमें ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं ये तो डिलीट हुई हुई है, क्लिक करेंगे इसका कुछ नहीं है, ये आ गया इसमें, मतलब विदाउट ओपनिंग योर फाइल आप देख सकते हैं उसमें क्या है, तो प्रीव्यू पेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही थे ऑप्शंस हमारे समझने के लिए, बाकी अंडू रीडू डिलीट ये सारे ऑप्शन ऊपर भी आ रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे, यहाँ से इन कमांड्स को एक्टिवेट वगैरह किया जा सकता है, मतलब के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से डिलीट कर दिया और गलती हो गई तो मैं यहाँ से इसको अंडू कर दिया तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिलीट और ये हो गया अंडू, आई थिंक जो ये अंडू है ये वापस आ गया, और उसको दोबारा रीडू करना है तो यहीं से रीडू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसके अलावा सर्चिंग ऑपरेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, किसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, अब उसके अंदर बहुत सारी फोल्डर एंड फाइल है, मुझे नहीं पता पड़ रहा, लेकिन मुझे जिस फाइल को ढूंढना है उसका नाम मैं यहाँ रखूँगा, जैसे मैंने अली के नाम से एक फाइल को लिखा और एंटर कर दिया तो अली के नाम से जितने फाइल एंड फोल्डर होंगे ये सर्च करके लिए आएगा। अगर मेरा फाइल एंड फोल्डर मिल जाता है तो मैं उसको यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा अगर मुझे उसकी लोकेशन पर जाना है, इसको स्टॉप कर दें यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे राशिद के नाम से कोई फाइल एंड फोल्डर ढूंढ रहा हूँ तो क्लिक करके एंटर किया और राशिद के नाम से फाइल एंड फोल्डर आ गए। अब अगर मुझे उधर जाना है उसके फोल्डर में तो उस पर राइट बटन दबाना है, जिस फाइल के फोल्डर में जाना है उस पर राइट बटन दबाना है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन फाइल लोकेशन, तो ये आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये सेव हुआ हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से डिलीट करें, कुछ भी करें आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो विंडोज़ का सर्च ऑप्शन है वो यहाँ से कर लें आप, यहाँ पर जिसको सर्च करना है लिखें एंटर, सर्च करें, ये इंटरनेट पर सर्च करने चला गया, क्लिक करें, कोई फोल्डर नहीं मिला इसको, कोई वीडियो नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ से हम इन सबको उधर बैठ देख सकते हैं,